हेलो एंड वेलकम गाइस वेलकम टू आर टू फोर सेवन गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट एंड ये जो हमारा एक शॉर्ट वीडियो है इसके अंदर हम आज एक बहुत ही बड़े सवाल को एक तरह से टैकल करने वाले हैं एंड दैट क्वेश्चन इज़ कि एस का जो क्लर्क का जो फॉर्म आया है वो कहाँ से फ़िल करें बहुत सारे हमें ब्लॉग्स पर हमारे यूट्यूब पर हमें बहुत सारे ये सवाल आते रहे कि सर फिल कहाँ से करें या फिर डिफरेंट डिफरेंट सवाल कि एल क्या होता है का सर्टिफिकेट क्या होता है और अगर मैं एल नहीं कर पाया उस कई मैंने बहुत सारे सवाल हैं कई लोग हैं Uh, जो अपने होम टाउन में ही रहना पसंद करते हैं दे वॉन्ट टू लिव इन द होम टाउन्स दे डो नॉट प्रीफर गोइंग टू टू नॉट प्रीफर गोइंग समवेयर एल्स कई लोग हैं जिनको अच्छी जॉब चाहिए तो वी हैव अनिकेट विद अस ही हैज़ एन एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड ही हैज़ रिसर्च थोरोली थ्रू ऑल दी डिफरेंट क्वेश्चन दैट यू कैन टेक अप रिगार्डिंग द एस बी आई क्लर्क इशू एंड नोटिफिकेशन एंड उस पर हम वन बाई वन यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं अनिकेत तो सर जैसे हेलो ऑल ऑल ऑफ यू मैं बता दूं कि आपको जैसे आज अभी के टाइम पे सबसे बड़ी सर मतलब हमारी टीम के पास हमारे सपोर्ट कॉल पे देख लो तो सबसे बड़ी क्वेरी बनी हुई है कि सर एस बी का फॉर्म कहां से हम फिल करें बड़ा सवाल है सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन मार्के एस बी एसबीआई लड़कल का फॉर्म कहां से फिल करें क्योंकि जो है सभी बच्चे चाह रहे मेरा सिलेक्शन हो और सर ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है आप जा रहे हैं 8 8 8500 प्लस वैकेंसीज हैं सही बात है तो सभी चाह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कहां से फॉर्म फिल करें तो उसके तो उसके हाँ। पहले सर मैं आपको बताऊं कि लास्ट में हम बताएंगे हम धीरे-धीरे करके आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि आपको क्या सोचना है कैसे सोचना है क्या आपको मन में थिंकिंग रखनी है कि कैसे जो है आप आ, क्या सोच के फॉर्म फिल करे या exactly. ना करें ये जो कट ऑफ है जिसकी स्टेट आपने बिल्कुण, बताया बिल्कुण तो आ, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक सर, एक फॉर्म फिल आ, करने मैं आपको बताऊं कि जो, जो सबसे बच्चे मतलब सबसे पहले बच्चे ये देखते हैं कि सर नंबर ऑफ किस स्टेट में सबसे ज्यादा है सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही आता है उसके बाद जो है बच्चा देखता है कि सर प्रीवियस ईयर वहाँ का कट ऑफ कितना गया था नहीं गया था इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट जो है हमारा फोकस जो है हमारा दिखाने का ये यही है कि सबसे पहले

पे और सपोर्ट पे कॉल पे सभी जगह आ रहे थे तो हमारी टीम ने हमारी टीम ने क्या किया कि सर स्टेट के हमारे जितने भी हमारे के एक्सपेरियंट्स थे से, अलग अलग स्टेट में ऑल ओवर इंडिया सब जगह सब सबको फोन किया अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्सपीरियंट्स को वहां okay. पे जानना चाहा कि उनके मन में क्या चल रहा है उनके मन में क्या चल रहा है थिंकिंग सर क्या किस बेसिस पे हम कहा से फॉर्म फिल करें हाउ टू फिल द फॉर्म तो वहां से जो है हमें अलग अलग आंसर्स मिले कुछ का कुछ आंसर मिला किसी का डिफरेंट आंसर्स मिला तो उसके बाद हमने फिर फाइनली हमारी टीम ने और हमने फिर फाइनली जो है ये कंक्लूड किया कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ओके ठीक है ओके एक पार्ट तो है अगर जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे एक पहला पार्ट है हमारा हाँ, होम टाउन शुरुआत से लिखा हुआ है ये बिल्कुल एक होम टाउन और, और एक जॉब और दूसरा जो है हमारा लिखा हुआ है जॉब तो अब ये आप सोचोगे कि होम टाउन क्या है और ये जॉब क्या, क्या है तो सबसे पहले मैं बात बताऊँ की जो है कुछ बच्चों का सर मानना है और हमारा भी फाइनली जब ये कंक्लूड करके मानना हुआ सर इसमें दो तरह का है कि अगर अगर आपका प्रिपरेशन पे लैंड कर रहा है ओके। आपका प्रिपरेशन पे स्टैंड कर रहा है ये सबसे पहल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर चुके हो आपको कॉन्फिडेंस है तो आप जो है इसके लिए सोच सकते होम टाउन के लिए, हो, okay, के लिए. Okay. अगर आपकी नंबर ठाक हाँ है और किसी का अपना ये है सब देखा कि कि होम टाउन में रहते हैं वो अपना प्रमोशन नहीं लेते और अपने होम टाउन में ही बने रह जाते हैं मतलब ये एक मेंटालिटी होती है कि हाँ मुझे होमटाउन में शहर के आसपास रहना है मुझे प्रदेश या फिर अपने शहर से दूर नहीं जाना हाँ ये मेंटालिटी है बिल्कुल है तो इसलिए जो है अगर आपका

बंगाल में दे दो इवन कि किसी पहाड़ी पे दे दो मुझे मतलब नहीं है मुझे जॉब चाहिए।, चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में जो है जॉब नहीं है मतलब उनका बिल्कुल ये क्लियर था स्टैंड की सर मुझे जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहे आप मुझे कह, कहीं पे भी, भी जॉब दे दो बर्फ में करवा लो जम्मू कश्मीर में करवा लो बिहार में करवा लो बंगाल में करवा लो कहीं भी करवा लो मुझे जॉब चाहिए अगर आप इस इस स्टैंड पे हैं तब तो बिल्कुल आपको ये देखना चाहिए और उसमें भी उसमें भी पहले दूसरी चीज ये है कि उसमें भी कि अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है नहीं। आपको आपको अंदर से जरूर पता होता है कि हाँ मैं किस किस स्टैंड पे पे किस लेवल पे हूँ कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ मेरा प्रिपरेशन किस लेवल पे है अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा लेवल प्रिपरेशन का इतना अच्छा नहीं है नहीं। तो उसके बाद तो आपको फिर ये, ये वाला सोचना चाहिए फॉर हाँ, एन तो तो एग्जाम्पल कोई स्टेट का मैं नाम ले लू जैसे गुजरात की बात करें सर महाराष्ट्र की बात करें या फिर कर्नाटका की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें तो इन स्टेट्स में जो है कट ऑफ कम रहता है प्रिलिम्स और या मेन्स को तो जो है अगर आपको यह सोचना है कि हाँ भाई ये जॉब चाहिए हाँ, मुझे जॉब चाहिए तो आप इन, इन प्रिपरेशन मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो आप इस वाले से, इस वाले सेक्शन में जा सकते हैं ठीक है लेकिन इस वाले में जाने से पहले भी है ना की मेरे को जॉब चाहिए पर इसकी अगर मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मेरी जो नेटिव भाषा है या जो मेरा तरीका है वो हिंदी ही है पर अब मुझे जॉब चाहिए तो मैं तमिलनाडु से अप्लाई करूंगा प्रॉब्लम आएगा सर तमिलनाडु में हिंदी का उतना स्थान नहीं है वहां पर जो एल होगा जिस जो की मैं बता दू लैंग्वेज लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि बेसिकली टेस्ट करता है राइटिंग में और आपकी रीडिंग में भी और, और स्पीकिंग में भी कि आप आ, बोल लिख पाते हैं जो भाषा वो डिमांड कर रहे हैं तो इस पे इसको लेकर पहले तो ये एल क्या है इसको बता दो जरा एक बार सर आ, मैं बच्चों तो है है लैंग्वेज टेस्ट okay. इसमें क्या कि आपको सपोज आप कहीं से भी फॉर्म फिल करते हैं आपने जो है अगर तमिलनाडु से फिल फॉर्म कर दिया तो वहाँ का जो है लोकल लैंग्वेज तमिल है ओके ठीक है तो वहां पे जो है आपको तमिल लिखना भी आना चाहिए बोलना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए ठीक है

local language क्या है? आ, अच्छा एक सवाल यहाँ पर ही आता है कि मान लीजिए एल जो है जो टेस्ट है आपका इसको मैंने अटेम्प्ट किया एंड मैं फेल हो गया जी, जी, या फिर मुझे एक्सटेंशन चाहिए कि जो मुझे बिल एक बिल और बिल चाहिए बिल बिल तो इस पर क्या एक ऑप्चूनिटी तो सर इसमें है कि जैसे इसमें हमारी टीम ने भी की और फिर मैंने भी अपने तरफ से जो है देखा तो इसमें यह है कि सर अगर अगर आप एल का एग्जाम देते हैं वहां पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एल अगर आपका होता है उसमें अगर आपको उनको लगता है जो भी वो देख रहे हैं कर रहे हैं उनको लगता है कि आप इसमें सटीक नहीं है अभी नहीं आप

तो सर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा इस क्वेश्चन जो है इस ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारे ऊपर काफी आ रहे है मेल भी आ रहे हैं बच्चों के तो बच्चों अगर आप जो है लेट सपोज जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हो अगर आपने जो है कर्नाटका से फॉर्म फिल अप्लाई किया है अब महाराष्ट्र में अगर आप ओबीसी में या एस सी में कहीं से भी किसी भी जो है इस कास्ट से बिलोंग करते हो लेकिन आपका वो वाला कास्ट कर्नाटका में जो है ओबीसी या एस सी में नहीं आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस उस वो वाले स्टेट में आपका आपका क्योंकि तो आपका जो भी कास्ट है वो कास्ट आपका बना हुआ रहेगा इसमें hmm. कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको जहां से फॉर्म फिल करना है आप वो फॉर्म फिल करेंगे आप उसी कास्ट के अंदर आएंगे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है मतलब यू कैन अवेल बिल्कुल अच्छा तो ये बहुत बड़ा एक आंसर है एंड आई होप आपका इसका जवाब आपको मिल गया अगर कोई ऐसा इस पे और कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा अच्छा आगे फिर बढ़ते हैं एक बात एक है अगर पी की बात होती है तो पता होता है हमें लगभग कि एग्ज़ाम सेंटर से. क्या है पर जब हम क्लर्क की बात करते हैं एग्जाम सेंटर भी बड़ा सवाल उठता है कि से. कहीं मेरे स्टेट में तो ना हो जाए या मेरे घर से कितना दूर होगा जहाँ मैं, मैं जॉब करता हूँ जैसे कि वहाँ से कितना दूर होगा तो एग्ज़ाम सेंटर का कैसे एक क्या तो चुनाव सर, पहले हो जाता है कि कैसे सिस्टम पूरा किया तो सर इसमें यह है कि जो है एग्जाम सेंटर जो है अगर एस बी ये फैसिलिटीज दी है कि आप कहीं से भी किसी स्टेट से भी फॉर्म फिल कर दो आप जहां पे हो वहां पे जो सेंटर अवेलेबल है आपने जो चूज किया है फॉर्म फिल करने के टाइम पे पे आपको एग्जाम सेंटर वहीं वेरी गुड थिंग सबसे 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 बड़ी जो है है ने दिया वो जो है आपका एग्जाम सेंटर वहीं पे मिल जाएगा तो मतलब क्लियर है मतलब दो तीन सवाल क्लियर हैं अब आखिरी सवाल पे आते हैं अच्छा मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको अभी भी कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट बिल्कुल करिए

तो कहीं ना कहीं वो दूसरे स्टेट में गए तो उन्होंने पहले ही एक बेनिफिट उठा लिया हाँ। मतलब क्योंकि वहां पे वो एक ये सोच के एक सीट, हाँ। एक सीट मिल गया वो ये सोच के गए कि वहां पे मेरा सिलेक्शन इजिली हो जाएगा तो मैं उस स्टेट से फॉर्म फिल कर देता हूँ तो सर ये दोबारा बेनिफिट ये इनको नहीं मिलेगा कि हाँ मैं चाहूँ है है। पे ट्रांसफर भी करवा लू हाँ, तो वो चीज नहीं हो पाएगी सर ये चीज इसमें इन्होंने ये फैसिलिटीज़ नहीं दी उन्होंने क्लियर बिल्कुल मेंशन किया हुआ है है कि नहीं नहीं, आपका आपका जो इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं नहीं हो सकता तो आपने देखा अभी कि हमने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो हमें आए ऐसे और भी सवाल आपके होंगे प्लीज उन सवालों को आप या तो मेल कर सकते हैं ब्लॉगर पर और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए एंड अनिकेत एंड हम फिर से आ जाएंगे एंड फिर से डिस्कस कर लेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे पर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे भले आपका क्वेरी ना हो यो क्वेरी माइड नॉट बी हैव बीन सोल्व इन दिस पर्टिकुलर वीडियो पर बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करेंगे इस बैक क्लर्क का उन सबको ये वीडियो पहुंचाइएगा एंड इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको हम रिजोल्व कर पाए बिकॉज ये सारी क्वेरीज डिस्कस किए हमने एंड हमें बहुत गर्व होता है बिकॉज दिस इज द चैनल दिस इज द दिस इज द प्लेटफॉर्म जो कि बिगेस्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे एंड अक्रॉस इंडिया इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग्स इन टर्म्स ऑफ वीडियो और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे सेशन में अगर नहीं रिजोल्व हो पाया होगा आप कमेंट सेक्शन पे हम आज करिए रिजॉर्व पक्का करेंगे तो शुक्रिया आने के लिए निकेत आपका एंड आई होप आपसे और बातचीत होती रहेगी ऐसे भी ही एंड थैंक यू सो मच सर एंड मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी थैंक यू ऑल द बेस्ट